boys and girls, and welcome to Understanding Biology. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 दी सेल के नए टॉपिक्स हैं लाइसोसोम्स, पेरियोक्सिसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स और वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ग्लायोक्सिसोम्स क्या काम करते हैं, पेरियोक्सिसोम्स इनका खास कोई मकसद भी है सेल में और ये हर सेल में मौजूद होते हैं या नहीं, और वैक्यूल्स, ये तमाम चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स को। अगर आप इस सेल को देखिए, नहीं अगर आप इस सेल को देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। सेल के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और गॉल्जी ऑपरेटस भी है। अगर हम इस गॉल्जी ऑपरेटस को देखें तो हम इस फिनोमेना को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेट्स सपोज दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स की यहाँ पे मौजूदगी है, तो डीएनए से कोई ना कोई मैसेज आया, उस मैसेज के नतीजे में इन राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया। और वो जैसे मैंने आपको राइबोसोम्स के हवाले से बताया था कि राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे वो फर्दर चलकर एंजाइम्स भी बन सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ पे स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी और वो बर्ड ऑफ होती हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ चैनल से और ये मूव कर गई गॉल्जी ऑपरेटस की तरफ। गॉल्जी ऑपरेटस में जाने के बाद उसकी कुछ कन्वर्जन हुई और कन्वर्जन के नतीजे में फाइनली प्राइमरी लाइसोसोम्स डेवलप हुए। प्राइमरी लाइसोसोम्स जब फिर फर्दर किसी फूड वैक्यूल के साथ या किसी डैमेज्ड या एक्सपायर्ड ऑर्गेनल के साथ अटैच होते हैं तो वो बन जाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि लाइसोसोम काम कैसे करते हैं। तो मेरा ख्याल है फर्दर हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये बेसिकली सेकेंडरी लाइसोसोम क्या काम करते हैं, डाइजेशन शुरू कर देते हैं उस पुरानी ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑर्गेनल को या जो फूड वैक्यूल्स के जरिए इस सेल के अंदर आया होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आपको एक सेल मेम्ब्रेन दिखाई है, तो आपने ये देखना है कि गॉल्जी ऑपरेटस के अंदर आने वाला मटेरियल या तो सेल से एक्सप्रेस्ड आउट हो जाएगा, सेल से एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, या फिर वो गॉल्जी ऑपरेटस में कन्वर्जन होने के बाद सेल के अंदर ही लाइसोसोम्स, पेरियोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स डेवलप हो जाएंगे, डिपेंड अपॉन देयर वर्क। हर चीज का अलग अलग काम है और अपने काम के हिसाब से उनकी कन्वर्जन होने के बाद अलग अलग एंजाइम्स वाले जो वैक्यूल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पेरियोक्सिसोम्स क्या है। 1965 में डी डेव और उसके कुछ कोवर्कर्स ने एक रिसर्च के दौरान लिवर सेल्स और टिश्यूज से कुछ ऐसे पार्टिकल्स को आइसोलेट किया जो कि सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स थे और इनके अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जैसे कि परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जैसे एंजाइम्स मौजूद थे। इनको पेरियोक्सिसोम का नाम इसी वजह से दिया गया क्योंकि इनके अंदर सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बनने वाले या डिकम्पोजिशन होने वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड को स्टोर किया जाता था। ये परऑक्सिसोम्स आमतौर पे एनिमल और प्लांट सेल्स के अलावा प्रोटोजोआ और यीस्ट और यहाँ तक के हायर प्लांट्स के सेल्स में भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको इसी के साथ बताता चलूं ग्लायोक्सिसोम्स क्या हैं। इसी ग्रुप को प्लांट सेल में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेसिस के अलावा कुछ और एंजाइम्स भी मिलते हैं जो आमतौर पे एनिमल सेल्स की मौजूद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल के अंदर नहीं पाए जाते। इस ऑर्गेनल को ग्लायोक्सिसोम्स कहा गया और ये प्लांट सीडलिंग में पाए जाते हैं।
इनका असल में काम ये होता है कि प्लांट सीडलिंग या सीड के अंदर मौजूद फैटी एसिड को कन्वर्ट करना एनर्जी में, और उस एनर्जी से यंग प्लांट को डेवलपमेंट के दौरान जो रिक्वायर एनर्जी होती है वो इन्हीं से मिलती है। आमतौर पर एक सीड का एनर्जी प्रोड्यूस करना कि उससे एक यंग सीडलिंग का डेवलपमेंट हो सके, इसके दौरान रिक्वायर जो एनर्जी होती है वो इसी ग्लाइऑक्सीसोम से ही मिलती है, और ये काम ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल की वजह से ये मुमकिन होता है, और ये एंजाइम्स ग्लाइऑक्सीसोम्स में मौजूद होते हैं। आमतौर पे ग्लाइऑक्सीसोम्स बहुत ही कम अरसे के लिए जर्मिनेशन स्टेज पे, जिस वक्त सीड के अंदर लिपिड की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ उसी वक्त दिखाई देते हैं। और अगर कोई ऐसा सीड हो जिसके अंदर लिपिड की तादाद बहुत कम होगी, जैसे कि मटर, तो इनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स एब्सेंट होते हैं। और अब मैं आपको इसके हवाले से बताते चलूं वैक्यूल्स क्या हैं। वैक्यूल एक खाली बबल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसके अंदर फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अब अगर ये कोई एयर बबल होगा तो हम इसको कहेंगे एयर वैक्यूल। इसी तरीके से अगर इसके अंदर पानी होगा तो हम इसको कहेंगे वाटर वैक्यूल, और अगर इसके अंदर फूड होगा तो हम इसको कहेंगे फूड वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पुश होकर एक साइड पे लग जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है और बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एयर, वाटर और फूड मटेरियल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं फर्दर लेक्चर्स में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।